देवों की नगरी हरिद्वार में भारतीय संस्कृति और आस्था के महापर्व महाकुंभ मेले में दूर दराज से साधु संत पहुंचने लगे हैं। महाकुंभ के दौरान अनोखे साधु आकर्षण का केंद्र रहते हैं। मेले में साधु संतों का ऐसा अनोखा रूप देखने को मिलता है जो आम दिनों में नहीं देखे जा सकते हैं। दुनिया भर से अमूमन तप साधना में लीन रहने वाले साधुओं का जीवन एक आम आदमी के मुकाबले कितना कठिन होता है, इसका अंदाजा महाकुंभ में पहुंचने वाले अनोखे साधुओं को देखकर लगाया जा सकता है। ऐसे ही एक अनोखे साधु का रूप देखने को मिला जो महाकुंभ में शामिल होने के लिए पंजाब से आए हैं। साधु बाबा ने करीब 19 वर्षों की तपस्या के बल से करीब 1 फीट अपने हाथ के नाखून बढ़ाए हैं। ये तपस्या 24 वर्षों तक जारी रहेगी। जानकारी के मुताबिक पंजाब से हरिद्वार महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए बाबा दिगंबर रुद्र भारती देर शाम मंगलोर स्थित निजामपुर हरचंदपुर गांव में अपने भक्त के यहां पहुंचे। साधु बाबा के करीब 1 फीट लंबे नाखून आकर्षण का केंद्र हैं, जो भक्तों को खूब आकर्षित करते हैं। जब ग्रामवासियों को साधु बाबा के पहुंचने की खबर लगी तो दर्शन करने वाले लोगों का तांता लग गया। लोग बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे तो साधु बाबा ने भी सभी की मनोकामना पूरी होने की कामना की। साधु बाबा ने बताया कि वह हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं। साधु बाबा ने बताया कि वे श्री पंचायती अखाड़ा से जुड़े हैं और कुंभ में होने वाले तमाम स्नान और वह साई स्नान में भाग लेंगे। नवबारा समाचार रुड़की उत्तराखंड से विशाल यादव की रिपोर्ट।